हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम माई न्यू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप वेल होंगे, मस्त बिंदास और एकदम झक्कास होंगे। सो गाइस, आज मेरा जो डेली रूटीन है बहुत ही बिजी शेड्यूल है आज का मेरा, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और इतना ज़्यादा बिजी है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। आज मेरी हालत खस्ता है और गर्मी तो इतनी है आज की कुछ पूछो मत भाई। रेगिस्तान की क्या गर्मी होगी जितनी आज इधर गर्मी है। इतनी ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा। हाय 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 हाय, सब्जी में तड़का लगा रही थी जो पसीना पसीना हो रही हूँ, देख रहे हो आप। तो सुबह से बहुत सारा काम किया मैंने, मैंने कपड़े भी धोए, दिखाती हूँ आपको। ये कपड़े धोए मैंने बहुत सारे, बेडशीट वगैरह पड़े हुए थे, संडे को इस बार कपड़े धुल नहीं पाई थी तो बहुत सारे कपड़े धुले मैंने। और कपड़े धुलने के बाद अभी पौधों में पानी देना है तो वो भी करूँगी। उसके पहले सब्जी में तड़का लगाई हूँ भाई, वो भी तो चला दूँ नहीं तो जल जाएगी। ये देखिए भाई, आज मैं आलू प्याज मटर टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तड़का लगाइए उसको, धीमी आँच में क्या पकाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये बढ़िया से टेस्ट नहीं मिलेगी, सब्जी टेस्ट ही नहीं बनेगी। इसीलिए मुझे धीमी आँच में इसको थोड़ा पकाना पड़ेगा। अभी सुबह के बजे हैं 8 और आपको भी पता है सुबह सुबह कितनी परहेज होती है। ये देखिए गाइस, ये सूख रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। पेड़ चमेली का पेड़ है, सूख रहा है पूरा। इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ, पानी दे देती हूँ, सूख गए हैं पौधे। हालांकि कल डाली थी मैं, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि सूख रहे हैं। ये देखिए आप, ये सूख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। ये नीचे का ये जल सा गया है, ऐसा क्या हो गया। ऊपर तो अच्छा हरा हरा दिख रहा है, ये देखिए, ये बढ़िया से हरा हरा दिख रहा है ना, पर नीचे जल रहा। सेम चीज़ इसमें भी है, ये आप देख सकते, ये इधर जल रहा, इधर बढ़िया से ये हो रहा है, बड़ा हो रहा है। बड़ी दिक्कत वाला काम है भाई, मेरे पेड़ तो सूखे जा रहे हैं। और आपको पता है, ये मैं तुलसी का पौधा भी लेके आई, मुझे तुलसी बहुत पसंद है। पिछली बार लगाई थी, सूख गई थी, लेकिन अभी लेके आई। ये दिया रखी है, शाम को इसमें दिया लगाती हूँ तुलसी में। ये मैं दे देती हूँ पौधों को पानी जल्दी जल्दी। ये देखिए, इसको भी पता नहीं क्या हो गया, ये भी सूख ही रहा है। ये वाला बस अच्छा है, ये नहीं सूख रहा है। बीच बीच में सब्जी चलाने का काम भी तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि सब्जी ही जल जाएगी मेरी नीचे से, और फिर टेस्ट बेकार हो जाएगा। अभी नहीं खाऊंगी ये। मैं मार्केट से लाई थी, फ्रोजन मटर है, आप भी ला सकते हैं। इसको निकाल लेती हूँ जल्दी से, ये देखिए बर्फ भी जमी हुई है, थोड़ा सा निकाल देती हूँ। पानी डालूंगी ना इसमें, सारा बर्फ इसका जो है वो निकल जाएगा, बर्फ जम गई है भाई मटर में। फ्रोजन मटर है, आप भी ला सकते हैं। अभी मटर का सीजन तो है नहीं यार, तो अभी क्या करें, करना पड़ता है। इतना सारा बर्फ जमा है इसमें, देख सकते हैं, ठंडा लग रहा बहुत हाथ में। हाय हाय हाय, ठंडा ठंडा है। ये देखिए पानी डाल दी ना, सारी की सारी बर्फ जो है वो गल गई इसी में। ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इसको हल्की गुनगुने पानी में बॉईल कर दूंगी ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो मेरी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अभी गोभी भी बहुत अच्छी आ रही है, बिना कीड़े वाली। बर्तन भी पड़े हैं यार थोड़ा सा, ये सूखे हुए कपड़े भी उठा के रखी हूँ, फोल्ड करना है इनको अभी। गाइस देखा आपने कितना काम पड़ा है यार, आज सुबह के 8 बजे हैं और गर्मी इतनी लग रही है, सुबह सुबह से ही हालत खस्ता है। और पौधों को पानी भी दे डाला मैंने, पौधों को सब्जी भी बनाती बनाती हुई ये पौधों को पानी दिया, उसके पहले ही कपड़े वॉश किए थे मैंने, पूरा डाल दी सूखने के लिए। और ये रखी हूँ यहाँ पे, कपड़े फोल्ड करूँगी अभी इनको पूरा। मुझे 10:30 बजे जाना है ऑफिस, तो अभी शायद 8:15 हो रहे होंगे। 15 मिनट में मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए और जा रही हूँ, रेडी होंगी, अभी नहाना है। और उसके पहले सब्जी में पानी डाल के जाऊँगी, सब्जी पकती रहेगी। और एक साइड चावल रख दूँगी और आटा लगा के रख दूँगी फटाक से, राइट। जब तक चावल बनेगा तब तक आटा लगा दूँगी
और फिर नहा लूँगी। तो 9:30 बजे तक नहा चुकी होंगी मैं, तब तक खाना भी मेरा लंच बॉक्स भी रेडी हो चुका होगा और फिर मैं फटाक से निकलूँगी ऑफिस के लिए। तो गाइस बहुत ही मतलब कहना चाहिए बिजी वाली लाइफ होती है यार, कैसे कैसे मेंटेन करना पड़ता है चीज़ें, खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपके साथ बातें करने का तो बहुत मूड रहता है, बहुत मन रहता है, लेकिन क्या ही करें, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वो देखनी पड़ती है। और चलते हैं गाइस, मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, धनिया की पत्ती भी ऐड कर दी, लग रही ना टेस्टी। और ये लिया है मैंने चावल, चावल बना रही हूँ, एक ग्लास से नाप के लेती हूँ हमेशा, क्योंकि मम्मी बोलती है कि अगर चावल ग्लास से नाप के लो उसी अंदाज में पानी रखो तो पानी ज़्यादा नहीं होता है। ये देखिए आधा ग्लास से कम लिया, एक ग्लास से कम लिया था चावल मैंने, और ये एक ग्लास पानी ऐड की, थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये देखिए इतने में मेरा चावल बन के रेडी हो जाएगा। अगर मैंने एक ग्लास पूरा लिया होता तो मैं 2 ग्लास पानी ऐड करती इसमें। ये रख दिया मैंने चावल, मेरा चावल बन के रेडी हो जाएगा। और गाइस ये ले ली हूँ थोड़ा सा आटा, अब इसको जल्दी से मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए मेरा आटा लग के रेडी हो चुका, मैं बना लूँगी इसकी रोटी जल्दी जल्दी। एंड गाइस ये बना रही हूँ मैं रोटी, और पना बनाना है तो इधर मैं उबाल रही हूँ आम, एक आम में बड़ा सा आम है तो बढ़िया पना बनेगा इसका। पूरी रोटियाँ बन गई, ये लास्ट रोटी है। इसमें थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी और थोड़ी हरी धनिया की पत्ती भी मिलाई थी, वो दिख रही है। सो गाइस ये देखिए मेरी रोटी पूरी बन चुकी है ये। तो गाइस फाइनली मेरा सब्जी चावल रोटी बन के रेडी, और ये पना भी बन ही गया लगभग। अब इसको मैं ठंडा होने के बाद पना बनाऊंगी। सो गाइस हालत हो चुकी है खस्ता मेरी, मशीन की तरह लगी हूँ जब से सो के उठी हूँ। अब जा रही हूँ जल्दी से रेडी होके ऑफिस जाऊँगी, क्योंकि 9:15 हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि 9:15 ऑलरेडी हो चुका है, हो जाएगा लेट। तो अब मैं आपसे फिर मिलती हूँ शाम के।